तरीके से अभिवादन कर रहे हैं जनता जनार्दन का अपने विशिष्ट अंदाज में। पुष्प वर्षा के साथ साथ क्या कुछ, कितना लंबा ये रोड शो और क्या कुछ रोड के अपने वो है, मतलब जो रूट होगा वो क्या कुछ है, और हम देख रहे हैं कि उत्साह खुद बयां करते हैं दृश्यों में। ऋषि, हम अपने संवाददाता ऋषि कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं चेन्नई से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहे हैं। इससे पहले अगर चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्यक्रमों को अगर देखें तो अनेक मंदिरों में जाकर, दक्षिण के अनेक जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी, और पिछले 100 दिनों में अगर देखें तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में, जनता पुष्प वर्षा करके अपने प्रिय नेता का स्वागत कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और साथ ही साथ जनता अभिनंदन कर रही तो अभिवादन जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सामने सिर झुकाकर। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें लगातार प्रधानमंत्री का ये दौरा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 100 दिनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तमिलनाडु। दृश्य खुद बयां करते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जज्बा, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण, कि किस तरीके से पुष्प वर्षा करके लोग अभिवादन कर रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, इन दृश्यों को कैद करना चाह रहे हैं। क्या कुछ रूट है इस रोड शो का, और साथ ही साथ किस तरीके का उत्साह दिखता है जनता के बीच में? ऋषि, देखिए सुनील, पॉन्टी बाजार श्रीनगर चेन्नई का ये इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, उस माध्यम से जिसमें कि वो रोड शो के जरिए अभिवादन कर रहे हैं। जनता यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है, और हम जानते हैं कि चेन्नई की जो संस्कृति है, जो तमिलनाडु की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने सीधे जोड़ा है। और पिछले अगर हम उनके यात्राओं के तमिलनाडु की यात्राओं के दौरान उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत की जो सांस्कृतिक सौहार्द है, और काशी और तमिल का जो संगम है, उसको यहाँ पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पूरे के पूरे रोड शो को अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं,
अपने गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से यहाँ पर उनके स्वागत में एकत्रित हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पर स्वतः स्फूर्त ऐसे भी लोग थे कि जो यहाँ पर एकत्रित हुए और उनके अभिवादन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। और इसमें हमने तमाम दिव्यांगजनों को भी देखा, वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और जो एक शैली है प्रधानमंत्री की कि रोड शो के माध्यम से वो सीधे संवाद करते हैं, अपने जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पुष्प वर्षा के माध्यम से और तमाम जो लोग हैं उनमें एक असीम उत्साह दिखाई दे रहा है इस महीने में, जबकि प्रधानमंत्री जब भी जनता के साथ मुखातिब होते हैं तो एक दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और जनता के बीच में एक सामंजस्य और एक जिसे कहते हैं तारतम्य बनता हुआ भी दिखता है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। ऋषि, अगर देखें चुनावी मौसम चल रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का, सोमनाथ तमिल संगमम का, इन सबका आयोजन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं, राजनीतिक परिणाम या जनादेश, इससे इतर भी एक बात हम और यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं एक उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों में विलगाव की बात कही जाती थी, संस्कृति तो हमारी एक ही है लेकिन उसको व्याख्यायित या परिभाषित करने की कोशिश की जाती थी कि दो संस्कृतियां हैं, सच्चाई तो यह सनातन संस्कृति आद्योपांत हिमालय से लेकर धनुषकोटि तक है। तो किस तरीके से जो सामाजिक सामंजस्य या जिस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं उत्तर दक्षिण की दो परंपराओं में जो हल्की फुल्की खाई भी थी, जो चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो परंपरागत हो, वो भी पटी है अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में, पिछले दशक में। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बात को रेखांकित करें कि इस दौरान जो खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की है और इसको हम सफल होते हुए भी देख रहे हैं कि जो जैसे कि आपने कहा कि एक कोशिश होती थी राजनीतिक स्तर पर, जबकि सांस्कृतिक और जो भारतीय स्तर पर इसको हमने कभी नहीं देखा है। अगर हमने देखा है कि भारत की सीमाओं पर अगर कोई नॉर्थ का है, अगर कोई पंजाबी है, सिख है, जट है, तो मराठी भी मैदान में रहा है, तो इस पूरे के पूरे माहौल को हमने हमेशा से देखा है। लेकिन सियासी रूप में अगर किसी ने इसको जोड़ने की कोशिश की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, और इस कोशिश में उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक पहलू है अगर उसको भी देखें तो वो सब एक हैं। और इसी वजह से काशी समागम के माध्यम से जो उत्तर दक्षिण का जो मेल है उसको यहाँ पर कराया गया। एक और आपको मैं घटनाक्रम बताना चाहूँगा जिसमें कि जो तमिलनाडु का एक प्रतीक है सेंगोल, उस सेंगोल को तमिल संस्कृति के से लेकर उन्होंने पूरे जो संसद में जब उसको पहुंचाया तो वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें हर तमिल ने इस बात को अपना गर्व महसूस किया कि उन सब चीजों को आज एक ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जिसमें अलग नहीं है, सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये विकसित भारत के लिए जो संकल्पनाएं स्थापित की जा रही हैं उन संकल्पनाओं में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और हम इन प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यही जुड़ाव को स्थापित करने के लिए आज ये रोड शो दिखाई दे रहा है। जी, राजनीतिक तौर से अगर देखें ऋषि तो क्या कहेंगे कि कर्नाटक तो दक्षिण का द्वार कहा जाता था, कर्नाटक में बीजेपी लगातार सरकार बनाने में भी अलग अलग अंतराल में वो कामयाब भी रही लेकिन तमिलनाडु वो अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। अब इस पूरे प्रयास को या फिर इस तरीके के रोड शो को या इस तरीके से लगातार चुनावी धारदार प्रहार को, चुनावी प्रचार को क्या आप मान के चलते हैं ये भाजपा का दक्षिणा पथ अभियान है? देखिए अपने जहाँ तक ये इस चुनाव को अगर हम देखें तो ये चुनाव इस मायने में भी जाना जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार प्रयास किया अपनी ताकत के दम पर चुनाव में उतरने का। अब तक हमने देखा है कि डीएमके और एआईडीएमके के साथ मिलकर ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में जुटी रही हैं। पहले भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी डीएमके और कभी एआईडीएमके के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ाया, उनके चुनाव के बाद गठबंधन हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि जब वो यहाँ की स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं
उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मोर्चा बनाया है और इस मोर्चे में 9 दलों की मदद से बीजेपी राज्य के जो तमाम समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीएम के हैं पटाली मक्कल कांची सबसे मजबूत साथी के रूप में उनके साथ है और ऐसे ही तमाम जो घटक हैं जिनको की लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी को अगर इस मायने में सफलता मिलती है जो कि कोशिश कर रही है लगातार और उन्होंने इन चुनावों के दौरान कोशिश यही है कि या तो अपने साथियों के साथ जहां वो जीतने की स्थिति में उनको मजबूत किया जाए और अपने सिंबल पर भी तमाम साथियों को उन्होंने चुनाव में लड़ाया है। तो ये जो पुरजोर कोशिश है जो दक्षिण का रुख करके दक्षिण में अपनी फतह हासिल करने का ये चुनाव इस मायने में जाना जाएगा कि किस हद तक प्रयास किए गए और इन प्रयासों को रेखांकित करने के बाद जो सफलता मिलेगी उसके मायने में एक एक डाटा के रूप में भी ये रेखांकित हो सकता है कि जो चीजें पटक पर लाई गई थी उसमें कितनी सफलता हासिल होगी। जी ऋषि आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह लोगों में, पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, लोग एक सेल्फी लेने के लिए इन क्षणों को कैद करने के लिए मोबाइल में अपने तत्पर दिख रहे हैं, उत्सुक दिख रहे हैं, आह्लादित दिख रहे हैं और एक जबरदस्त उत्कंठा दिख रही है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे माताएं बहने बुजुर्ग दिव्यांग, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। किन रूप में आप देखते हैं कि पिछले 100 दिनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री की तमिलनाडु की यात्रा, कर्नाटक के बाद अब कहीं ना कहीं एक दक्षिणा पथ अभियान की तरह तमिलनाडु को भी फतह करने की कोशिश, राजनीतिक रूप से इन दृश्यों को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? विनोद मिश्र देखिए मैं अभी सुन रहा था आपने रिपोर्टर ऋषि कुमार को और ये मैं देख रहा हूँ जब ये दृश्य को तो मैं कह सकता हूँ कि ये अद्भुत अकल्पनीय कि ये अब तक जो डिस्कोर्स था कम से कम उत्तर और दक्षिण को लेके आज वो मुझे लगता है कि जो संपूर्ण भारत की बात जब आप कहते थे अभी आपने अपनी चर्चा में कही है तो मुझे लगता है कि सारी खाई जो है वो पटती नजर आई है कि ये जितने उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं और जिस तरह की उमंग है और पीएम को के अभिवादन ले रहे हैं सबका तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब पीएम मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार तो ये 400 पार का ये सबसे प्रतिध्वनि जो है वो इस लोगों के उत्साह से और इनके उमंगों से दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऋषि कुमार अभी बता रहे थे कि इस दौर में जो नैरेटिव्स थे वो नैरेटिव्स कैसे ध्वस्त हुए हैं। नैरेटिव ध्वस्त हुए ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का सुनी एक दिन में पूरा नहीं होता है। इस रोड शो में जो आप नजारा देख रहे हैं और जो प्रफुल्लित जो समाज है वो सारे जगह के लोग किस तरह से लाइन में खड़े हैं चन्ने जैसा, इतने व्यस्तम इलाके में आप कह सकते हैं कि इतने लोगों में इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग एक प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ पे लंबे इंतजार करते और अपने अपनी बारी का इंतजार करते प्राइम मिनिस्टर को हाथ हिलाते हुए दिखे। लेकिन ये जो खाई पटी है इसके पीछे काशी तमिल समागम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो खाई पटी है वो पार्लियामेंट में इतने वर्षों के बाद तमिल संस्कृति का जो ध्वजवाहक संगोल है उसकी स्थापना है। ये खाई जो पटी है वो यूनाइटेड नेशन में जब प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि दुनिया की कोई भी अगर प्राचीन भाषा है तो ये हमारी तमिल भाषा है, ये तमिल संगम का जो एक पुराना हमारा इतिहास रहा है, भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है उसको पुनर्स्थापित किया है। तो ये लोगों में ये जो लोगों को बताया जाता था, लोगों को जो समझाया जाता था द्रविड़ के उस आंदोलन के बाद और उस नैरेटिव के बाद, वो लोगों को यथार्थ पता चला है जिस बात को पीएम ने करके दिखाया है। पीएम ने करके दिखाया है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, भारत की सार्वभौमिकता एक है, भारत की संस्कृति एक है, तो उसकी आप प्रतिध्वनि देख रहे थे। दूसरी बात जो ऋषि कुमार कह रहे थे जो 9 पार्टियों का वो कितना चेंज आने वाला है, शायद 4 जून के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये सच में चौंकाने वाला है जिसको पीएम अपने एड्रेस में बार बार नवरत्ना की बात करते थे। ये नवरत्ना आपको मैं यकीन दिलाता हूं अश्विनी कि ये यूपी का इफेक्ट लाने वाला है। अपने अपने क्षेत्र के जो समूह हैं वो अपने अपने लीडर अपने अपने इलाके में वो महत्वपूर्ण लीडर है, उनकी अपनी एक भूमिका है। बीजेपी ने पहली बार उन सारे लोगों के साथ में सारे टीम के साथ में एक अलायंस किया है और एक पावरफुल फोर्स बना है कन्याकुमारी से लेके और चेन्नई से लेके और सारी जगह पे आप देखिए कि बीजेपी के जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनके साथ में वो सारे फोर्स भी लगे हुए हैं।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पीएम के साथ आप अन्नामलाई देखते हैं कि पीएम ने अपने कार्यकर्ता पे, अपने कैडर पे, अपने अध्यक्ष पे कितना भरोसा किया है कि जिस दिन एआईडीएमके ने शिकायत की थी कि आपका बीजेपी के साथ हम एलायंस तोड़ लेंगे जब तक कि आप अन्नामलाई को नहीं हटाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी ने उस दिन नहीं माना और अपने अन्नामलाई को स्थापित किया, तो आज देखिए कि अन्नामलाई इन सारे एआईडीएमके डीएमके के अगेंस्ट में एक ग्रुप बन गए हैं, एक सेंटर बन गए हैं, लोगों में एक यकीन दिलाया है जमीनी स्तर पे काम करके, ईमानदारी से काम करके हम कर्नाटक में, हम तमिलनाडु में एक नई दिशा ले जा सकते हैं राजनीति में, और इसको ये साबित किया है। तो पीएम मोदी के साथ जो अन्ना साथ खड़े हैं, तो ये उनकी भी भूमिका, आप कह सकते हैं कि एक नेतृत्व की भी भूमिका है, तो कार्यकर्ताओं की भी भूमिका है जो तमिलनाडु में इतने वर्षों से जगन, आप कह सकते हैं कि लगातार मेहनत करके पिछले दो साल से वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, और ये भीड़ आज उनके उस मेहनत का एक प्रतिफल दिखाई देता है। निश्चित तौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विनोद जी ने कहा कि एक लगातार सतत प्रयास पूरा का पूरा भाजपा का रहा लगातार इस दक्षिणी राज्य में, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो निश्चित तौर से सभी राजनीतिक दलों के लिए विशिष्ट इस मायने में भी होंगी कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से अनुर्वर धरती पर भी एक सतत मेहनत करने के बाद आज भाजपा एक अपनी जबरदस्त जनसमर्थन की फसल दिखा रही है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, दूसरे राजनीतिक दलों को। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर आप देखें तो किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं? आपने कहा कि बेहद अहम होगा ये चुनाव, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो विनोद जी ने इसे व्याख्यायित किया ही, राजनीतिक रूप से इसके बड़े प्रतिध्वनि सुनाई देंगे जो भी आएंगे, क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब एआईएडीएमके से भाजपा का गठबंधन नहीं है, ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीतिक शून्य के रूप में एआईएडीएमके का करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व जयललिता का तमिलनाडु की राजनीति में नहीं है, ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों राजनीतिक दलों का जो कि स्वाभाविक एलाई के रूप में माने जाते थे एआईएडीएमके और बीजेपी, वो साथ साथ नहीं है, लेकिन तमिल मनुला कांग्रेस और पीएमके जैसे राजनीतिक दल हैं, किस रूप में देखते हैं जो वैक्यूम या फिर जो राजनीतिक कमी या फिर राजनीतिक रिप्लेसमेंट की बात आती है, चाहे वो कांग्रेस विरोधी मतों का हो, चाहे वो एआईएडीएमके के राजनीतिक रस्साकशी से उपजे मतों का हो, या फिर डीएमके विरोधी मतों का हो, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा की नजर है? ऋषि, देखिए सुनिए, अगर हम तमिलनाडु की सियासत को देखें तो तकरीबन 57 साल से हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो यहाँ की राजनीति में या तो एआईएडीएमके या डीएमके के साथ ही सफल आगे बढ़ पाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ये तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रही है तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब हम कर्नाटक से आगे बढ़ेंगे, और कर्नाटक से जब आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया था तो उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई, और उस रणनीति में उन्होंने ये पाया कि जो एआईएडीएमके का इस समय जो स्थिति है, हमने देखा था कि अन्ना और अम्मा के आसपास पूरी राजनीति तमिलनाडु की रहती थी, आज एक तरफ से शून्यता दिखाई दे रही है, वहाँ बिखराव भी है, नेतृत्व की कमी है, एक बड़ा वोट बैंक है जो कि इस समय चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि डीएमके के विरोध में अब वो उसके का तीखा विरोध कहीं नहीं दिखाई देता, अगर वो दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसको सीधे काउंटर करना चाहती है और उन लोगों की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को समाहित करके एक नेतृत्व देना चाहती है। इसी तरीके से हमने देखा कि विनोद मिश्री जी कह रहे थे कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्यकर्ता में भरोसा दिखाया और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक तरफा फैसला लेते हुए कहा कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उन लोगों के साथ जाएंगे जो हमारे नेचुरल अलाइज हो सकते हैं और जिनको हमें जरूरत है और जिन्हें हमारी जरूरत है, और ये एक नेचुरल अलाइज के तौर पर जो नवरत्नों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि आज INDIA का जो अलायंस है कहीं पर बिखरा है, कहीं पर जुड़ा है, कहीं मिल रहे हैं, कहीं बिखर रहे हैं, कहीं पर साथ में है, कहीं पर विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड सफलता के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो, कहीं पर भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि जो उनके नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, जो उनके साथी हो सकते हैं, जो उनकी विचारधारा से जुड़ सकते हैं, उनको कहीं भी
जोड़ने में कोई कसर छोड़ी गई हो। हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं कि वहां पर उन्होंने छोटे छोटे एलाइंस को तमाम सम्मान दिया और ऐसे ऐसे लोगों को तमाम जो भागीदारी दी है। सत्ता में भागीदारी का सबसे बड़ी जो संकल्पना है भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है, आज उसकी सफलता का ही ये कारण ही बन रहा है। चाहे वो सामाजिक रूप से सत्ता की भागीदारी प्रदान की गई हो, राजनीतिक रूप से सत्ता की भागीदारी प्रदान की गई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामंजस्य में उन लोगों को समाहित किया है जो उनकी विचारधारा, उनके नेतृत्व और देश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। इसी वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा और डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है आने वाले समय में, जिसको कि इन प्रयासों के तौर पर, प्रधानमंत्री के प्रयासों के तौर पर हम देख सकते हैं। 100 दिनों के अंदर तीसरी सातवीं बार वो उनका जो यात्राएं हो रही हैं, कल भी हम देख रहे हैं कि उनके एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार जिस तरीके से कल उनकी 2 जनसभाएं हैं तमिलनाडु में, तो लगातार वो जब जनता के साथ जुड़ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम जरूर आएगा। और इन परिणामों को जब हम कहते हैं कि हर एक इनपुट का आउटपुट होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि वो अपनी कहते हैं ना मेहनत की पराकाष्ठाओं को आगे बढ़ा देते हैं। कई बार हमें देखना पड़ता है कि भारतीय राजनीति में जो नेता है मेहनत करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर उन्हें किसी तरह सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखें कि किस तरीके से जहां पर शून्यता है वहां पर वो शिखर में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो सियासी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती है आजादी के बाद, जो हर चीज को जिम्मेदारी से लेता है और हर चीज की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए जनता के साथ संवाद करता है। तो ऐसे नेतृत्व में जब जनता का भरोसा बढ़ता है तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं और ये परिणाम हमने त्रिपुरा में देखे हैं। असली अगर कोई भरोसा नहीं कर सकता था कि वहां पर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगी, तो ये जो तमाम कायाकल्प हुआ है इसमें जो रणनीति है, जो सामंजस्य है, सहभागिता है, साझेदारी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम सहभागिता और साझेदारी को विस्तार नहीं देते हैं, राजनीतिक विस्तार देना बड़ा मुश्किल होता है। सुनिए, इस तरह हम तमाम दृश्यों को देख रहे हैं जिस तरह जनता में तमाम उत्साह है और लोग नारे लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनका अभिवादन ले रहे हैं, निश्चित तौर से भी आज वो एक विशेष तरीके की ऊर्जा लेकर यहाँ से जाएंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ऋषि इसी में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, इस तरीके की जो दृश्य हम देख रहे हैं, इस तरीके की दीवानगी हमने नेताओं के प्रति दक्षिण में देखी है, माफ करिएगा अभिनेताओं के प्रति दक्षिण में देखी है। पूरी की दक्षिण की राजनीति अभिनेताओं से भरी पड़ी रही है। किसी नेता को इस तरीके का विरला दृश्य है कि इस तरीके से जनता जनार्दन का जबरदस्त उत्साह मिलता दिखाओ। बिल्कुल देखिए असीम, हम कहते थे ना पहले क्राउड पुलर हमें चाहिए होते थे सियासत में। तमाम राजनीतिक दल इस बात की कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए जिससे कि लोग उन्हें देखने के लिए आए। आज भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित किया है और वे क्राउड पुलर बन गए हैं, लोग आज उनको देखने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को किसी अभिनेता की जरूरत नहीं है,